बात है कि जब पैगंबरों की इच्छा, भगवान की इच्छा कि जहाँ पर भारतीयता की शक्ति अधिक है, भारतीय संस्कृति का प्रभाव अधिक है, वहीं भारतीय संस्कृति का महान वृक्ष का पौधा लगाया जाता है। वो हमारा ग्रामीण अंचल है, टाउन एरिया है, न कि बड़े शहर। आप तुलना करिए जबलपुर और बाकल में, गहराई से एक दूसरे से मिलिए। ये न सोचिए कि बड़े शहर में है कि छोटे में है, धनी है कि गरीब है, ये दिमाग से हटा दीजिए तो आपको बाकल में आपको ज़्यादा मिलेंगे जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं और उस पर चलते हैं। और जाइए गांव में, जैसे जैसे गांव में जाएंगे आपको भारतीय संस्कृति को समझने वाले ज़्यादा मिलेंगे। इस चीज़ को सबसे अधिक महात्मा गांधी समझते थे, इसलिए उन्होंने भारत राष्ट्र को गुलामी से मुक्ति कराने के लिए चंपारण को चुना, जो बिल्कुल अशिक्षित था गांव, बीहड़ों का गांव था। उस गांव को बहुत बदनाम किया था लोगों ने, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा अमानवीय व्यवहार चंपारण में था। गांधी जी वहाँ से मूवमेंट शुरू किए, अहमदाबाद से नहीं किए, दिल्ली से नहीं किए, बॉम्बे से नहीं किए, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई से नहीं किए, कलकत्ता से नहीं किए, चंपारण से किए। तो ये सोच महात्मा गांधी की थी, वो सोच सबको होनी चाहिए, नहीं है तो होगी। वो जो आदमी खुश है, खूब मेहनत करता है, कम पैसे में घर का खर्च चलाता है, वो ऋषि मुनि है। वो चाहे तो नक्सलाइट हो जाए, गांव-गांव भर लोग राइफल लेकर के खड़े हो जाएं कि हम शहर में बिजली नहीं जलने देंगे, व्यवस्था नहीं होगी जब तक गांव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ऋषि मुनियों के रूप में सारे ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कम सुविधाओं में रहते हैं, इसी से उनको ज्ञान अधिक है। जैसे जैसे अधिक सुविधाओं में रहने के आदि हो जाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी लेने के लिए आदि हो जाएं, तो हमारा ज्ञान हटने लगता है। हमें सुविधाएं चाहिए जितनी आवश्यक है, सिर से पैर की अंगुली तक इसके रख रखाव के लिए। इसमें अतिरिक्त सुविधा डालेंगे तो ज्ञान कम होता है। अब भारत के जागरण का समय आ गया है, अब लोग गांव को पहचानेंगे। जो पहले गर्व का अनुभव करते थे कि हम जबलपुर के निवासी हैं, भोपाल के हैं, इंदौर के हैं, दिल्ली के हैं, लखनऊ के हैं, अब उनको लगेगा कि अच्छा है कि हम गांव में पैदा हुए थे, इससे हमारी बुद्धि तेज है, हमारा दिमाग तेज है। ये समय आ गया है समझने के लिए। इसको संत तुलसीदास जी बहुत पहले कह चुके थे, जिन्हें हम गंवार कहते हैं, गांव के कहते हैं, उनको समझिए। ढोल को समझिए, संगीत निकालती है जो मन को एकाग्र करता है। गंवार जो गांव के लोग, उनको समझिए, बड़े महान हैं। जिन्हें शूद्र कहते हैं, समझिए, शूद्र वो नहीं है जो हम कहते हैं जो कपड़ा धुले, सफाई का काम करे, वो शूद्र है, ऐसा नहीं है। जन्म तो जाए तो शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं 12 वर्ष तक। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को समझिए। नारी का अर्थ स्त्री नहीं है, महिला नहीं है, नारी का अर्थ अपने अंदर के नाड़ियों से है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ जो पूरे शरीर में फैली हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के रूप में साकार रूप में है, उनका सूक्ष्म रूप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है। उनका जो स्थूल रूप है, जो दिखाई पड़ता है, ब्रेन स्पाइनल कार्ड है, क्रैनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स है। तो इसको जानिए कि नारी किसको कहते हैं। नारी का अर्थ स्त्री नहीं है,
ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न मतलब जानना, ताड़ गए। हम जा रहे थे रात्रि में, ताड़ गए कि वो सांप है, हम रस्सी समझ करके उठा के फेंकने वाले थे, हम पकड़ते तो काट लेता, ताड़ गए। चलन, गायन, ताड़न, ये सब एक वर्ब है, क्रिया है। इस तरीके से आप देखिए कि अब समझने का समय आ गया है कि हमारा ग्रामीण अंचल जो भारतीय संस्कृति का अभी भी सजोए हुए है, और अब भारतीय संस्कृति विस्तार को प्राप्त होगी, आगे बढ़ेगी, और देश में जो अव्यवस्था है दूर हो जाएगी। देश की अव्यवस्था क्या है? जब आप अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे, अगर दाहिने पैर में लकवा मारा है, बाकी अंग ठीक है, तो दाहिना पैर अव्यवस्थित है। लकवा मारने का अर्थ है कि इसमें शक्ति कम है, खून का प्रवाह कम है, इनकी नसों में ताकत नहीं है, इनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं। तो संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीयता कहते हैं ज्ञान से युक्त संस्कृति। ज्ञान क्या है? लकवा वाले पैर का इलाज करेंगे हम, जो पैर ठीक है उसका नहीं। अगर लकवा मारे दाहिने पैर में, हम इलाज करें बाएं पैर का, तो इसको मूर्खता कहते हैं। तो हमारे समाज में जो गरीब हैं, जहाँ पैसे की कमी है, खाने पीने की कमी है, जहाँ अंदर में धैर्य और साहस की कमी है, जहाँ डर समाया हुआ है, हीन भावना समाई हुई है, समय आ गया है उस क्षेत्र को विकसित किया जाए। जब वो क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो देश बन जाएगा। अगर लकवा दाहिने पैर में है, दाहिने पैर ठीक हो गया तो हमारी चाल ठीक हो जाएगी। इस भारत राष्ट्र में जहाँ जहाँ उपेक्षित है, जहाँ गरीब हैं, अंदर की गरीबी क्या है? साहस नहीं, धैर्य नहीं, हिम्मत नहीं, अंदर की गरीबी है। भगवान में भरोसा नहीं, अंदर की गरीबी कहते हैं। बाहर की गरीबी तो जानते ही है, रहने का मकान न हो, पहनने का कपड़ा न हो पर्याप्त, अगर मोटरसाइकिल की वास्तव में आवश्यकता हो तो वो न हो, ये सब बाहर की गरीबी है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जिसके पास है उसकी चिंता न करिए, जिसके पास नहीं है वहाँ जाइए। जिसके अंदर हीन भावना है कि हम कैसे इन पैसे वालों के पास जाएं, उनके पास जाइए, और यही होगा भविष्य में। आपको पता है कि इस राष्ट्र में महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति तो काम कर ही रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो तो काम कर ही रहे हैं। एक आधारशिला तो दिखा ही दिया कि सबसे मायावी क्षेत्र दिल्ली, जहाँ माया बहुत है, जहाँ राजनेता हो माया ही माया, जहाँ सारी एम्बेसी हो माया ही माया, दूतावास हो, जहाँ पर गरीबों की पूछ कम हो वो माया ही माया, लेकिन उसी माया में टेम्पो का पैसा अधिक मिल जाता है, लोग गरीब लोग भी जी लेते हैं। अगर उस दिल्ली में परिवर्तन संभव है तो गांव में परिवर्तन और आसानी से संभव है। तो भारतवर्ष ने दिखा दिया कि भारतीयता है, और उस जगह पर भारतीयता फैल गई जहाँ कभी कल्पना नहीं थी। दिल्ली में कोई किसी को पूछता नहीं, बगल वाले बगल को नहीं जानते हैं, जैसे अमेरिका कनाडा की तरह हो, जहाँ से पैसे का बोलबाला हो। हमेशा लोग राजनीति की बात करते हों, चारों तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये दिखाई पड़ती हो, पूरे विश्व के हर राष्ट्र के दूतावास हो, तो अगर वहाँ परिवर्तन संभव है जहाँ भारतीयता सबसे कम, अगर वहाँ दीप जल सकता है, तो भारत के हर जगह पर दीप जलाना बहुत आसान है।